3 लाख डॉलर। और ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जिनको आपको मैं मिला भी सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ, जो 4 लाख तक इसकी मंथली इनकम जनरेट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉग राइटिंग के लिए हमें कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं, जो हमें ज़रूरत है, क्या कुछ होना चाहिए। ब्लॉग आप सिंपल एमएस वर्ड पे लिख सकते हैं, ठीक है। और उनके लिए अगर वेबसाइट पे अगर हमने पोस्टिंग करनी है और वेबसाइट बनाएंगे कैसे, आपके जहन में ये सवालात घूम रहे होंगे, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि सबसे पहले एक अच्छा सा चैनल का नाम सोच लें, ठीक है। नॉट फॉर यूट्यूब चैनल, ये ब्लॉग्स चैनल की बात हो रही है, और ब्लॉग्स के चैनल के अच्छा सा नाम सोच लें कि अगर आप एक वेबसाइट बनाएंगे तो उस वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैं अगर एक वेबसाइट बनाता हूँ तो मेरी फील्ड जैसे आईटी से रिलेटेड है, और मुझे पता है कि मैं आईटी से रिलेटेड कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी सर्च करके लिख सकता हूँ, और कहीं से भी कोई भी आइडियाज निकालना चाहूँ तो इसीलिए निकाल सकता हूँ। तो आपके लिए भी ऐसे ही है, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड लिखना चाहे, वो इंग्लिश है तो इंग्लिश से रिलेटेड आप लोगों को इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड ब्लॉग्स बना के लोगों को सिखा सकते हैं, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड है तो मज़ेदार किस्म के आप लोगों को खाने बना के और उसकी डिस्क्रिप्शन लिख के, उसकी इमेजेस लगा के, और वो भी आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। सो मेरा तो आईटी से रिलेटेड है, और आईटी से रिलेटेड अगर ब्लॉग बनाना है तो उसके क्या डिटेल्स हैं वो भी आके आपसे शेयर करते हैं। जब आप ले लेते हैं डोमेन नेम, ठीक है, आपने ओवर द इंटरनेट पर डोमेन नेम सर्च करना है, गो टेक्निक वेबसाइट पे जाके, ठीक है, इफ़ योर डोमेन नेम इज़ अवेलेबल और अगर सस्ते में मिल रहा है तो आप उसको ख़रीद लें, ठीक है। डोमेन नेम ख़रीदने के बाद आपने होस्टिंग वेबसाइट जाननी है, और होस्टिंग वेबसाइट पे भी पहले चेक कर लेना कि कहीं पे फ्री डोमेन नेम तो नहीं मिल रहा, कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि आपकी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो ऑलरेडी फ्री मिल रहा है, तो वो भी चेक कर लें। जो ही आप होस्टिंग परचेज कर लेते हैं, ठीक है, होस्टिंग जो आप परचेज करते हैं, ठीक है, डरना नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है यार, एक दफ़ा हिम्मत करो, ठीक है, ये होस्टिंग और डोमेन नेम खरीद लो, ठीक है, पूरे 1 साल तक टेंशन फ्री होके नेक्स्ट ईयर पे करना, और नेक्स्ट ईयर कैसे क्या होगा, कितनी अर्निंग होगी, ये लाई जाता है। और इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। एक तो हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाते हैं कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, तो स्टार्ट ये 1 डॉलर से ही होगी, ठीक है, आहिस्ता 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 इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज होगी, जितने आर्टिकल्स आप बनाएंगे ये चीज़ें इंक्रीज़ होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको देखें, जो ही आपने होस्टिंग खरीद ली, होस्टिंग खरीदने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, उसमें उसको लॉगिन करना है, उसमें सी पैनल जो होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या एच पैनल होगा, होस्टिंगर वगैरह एच पैनल प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो आपको चीज़ें प्रोवाइड होंगी उधर आपने सिंपली प्ले स्टोर में जाना, कोई मुश्किल नहीं है ना, इतनी हर्डल्स में ना पड़े कि यार कैसे करूँगा क्या करूँगा, तो प्रॉब्लम नहीं है आपको किसी चीज़ की। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, सिंपल गूगल में लिख के देखें, ये थोड़ी सी एफर्ट करके देखें कि अगर गूगल में कोई भी चीज़ लिखी जाए और उसका जवाब ना हो, दिस इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो आप जो ही आपके होस्टिंग सी पैनल एक प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे आप प्ले स्टोर में जाएंगे, आपने इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को, ठीक है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद आपने उसके बाद थीम इंस्टॉल करना उसका, ठीक है, रिलेटेड टू ब्लॉगिंग, एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल करना जो आपकी वेबसाइट को सिक्योर बनाएगा, ठीक है, उसकी डिटेल, SSL सर्टिफिकेट होता क्या है, ठीक है, सब कुछ मैं बताऊँगा, मेरे बताने पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना आप खुद सर्च करके गूगल पे जाएं, व्हाट इज SSL सर्टिफिकेट, क्या चीज़ है ये, कैसी सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्यों लोग SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं, जरा सा सर्च करें तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आते हैं, जब आपने ब्लॉग्स क्रिएट कर दिया सिंपली, आपने स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्लॉग्स का जब थीम इंस्टॉल कर लेंगे उससे रिलेटेड आप आर्टिकल ना के डालें, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आपने लिखना है यूट्यूब पर जाके हाउ टू क्रिएट मेन्यूज। आप मेन्यूज भी यूट्यूब से देखेंगे, कुछ स्टेप्स हैं, अगर ना हो मिले तो मुझे बताना, मैं आपसे वहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, उनके मेन्यूज बना देते हैं। मेन्यूज क्या चीज़ होती है, ऊपर टॉप पे लिखा होता है ना, कहते हैं मेन्यूज में आपने लिख देना, जैसे होम होता है, होम के साथ अगर आपका मेन्यू है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जैसे मेन्यू है विंडोज़, इस तरह अगर आपका मेन्यू कुकिंग से रिलेटेड है तो आप लिख दो पाकिस्तानी फूड, ठीक है, इंटरनेशनल फूड,
और अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड है तो आप सिटीज के नेम लिख सकते हैं, लोकेशंस के नेम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, इनकी कैटेगरीज बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ 4 कैटेगरीज, और अगर मैं 4 कैटेगरीज बनाता हूँ तो एटलीस्ट मेरे जहन में भी ये होना चाहिए, मेरी एटलीस्ट 1 कैटेगरी में 10 आर्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है, 10 आर्टिकल्स ईच कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल मैंने विंडोज़ की कैटेगरी बनाई है तो उसमें मेरे 10 आर्टिकल हों, ठीक है, और उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट की बनाई है उसमें मेरे 10 आर्टिकल्स हों, उसके बाद अगर सर्वर्स की बनाई है तो उसमें मेरे 10 आर्टिकल्स हों, अगर मैंने MS Office की बनाई है तो उसके मेरे 10 आर्टिकल्स हों, और अगर मैंने बनाई है विंडोज एप्लीकेशन की तो उसमें मेरे 10 आर्टिकल्स हों, या फिर मैंने अगर किसी टिप्स वगैरह की बनाई है तो उसमें मेरे 10 आर्टिकल्स हों। जितनी कैटेगरीज होंगी उसमें आपने उतने आर्टिकल्स बना के डालने हैं। सो वन थिंग, रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी रेगुलरिटी होगी आपके काम में, आपके डेली बेसिस पे आप आर्टिकल बना के डालेंगे, तो एक चीज़ अपने जहन में रखें कि आप समझिए आप हिट हैं। अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं, आप अगर ऑफिस जाते हैं तो अगर आप रेगुलर आते हैं, सुबह अटेंडेंस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद अपनी जॉब करते हैं और रेगुलर बेसिस पे आप काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो क्या होता है आपकी उसको मंथली इनकम भी आपको रेगुलर बेसिस पे करते हैं। अगर आप छुट्टी करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी इनकम या कट होती है या आपकी जॉब पे बैड इंप्रेशन बनता है। सो ऐसे ही दिस इज़ अ प्रोसेस। ऐसे ही आप जब क्या नाम है अपने ब्लॉग साइट पे रेगुलर आर्टिकल्स डालेंगे तो उसकी रेगुलरिटी पे एक इनकम जनरेट होगी, ठीक है, और उस इनकम वो जो इनकम होगी ना आपको रेगुलरिटी बेसिस पे मिलेगी, ठीक है। इसी तरह आपकी ट्रैफिक आएगी, और याद रहे कि आपने वो आर्टिकल्स बनाने हैं, वो आर्टिकल्स जिसकी नीड है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग का बना रहे तो कुकिंग की देखें, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यार सर्च कर रहे होते हैं यार ये पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही है, या कोई चावल है या कोई और चीज़ें हैं तो वो सर्च करते हैं यार कैसे बनाते हैं, तो वो एक नीड है, ठीक है। इसी तरह आईटी से रिलेटेड नीड किस चीज़ की है, आईटी एक बड़ी ह्यूज टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में डिफरेंट इश्यूज आते हैं, ठीक है, जो लोग इस फील्ड में बैठ के काम कर रहे थे तो उनको इन इश्यूज की समझ होती है और उस तरह के इश्यूज बना के शेयर करते हैं, ठीक है, उसको बताते भी हैं आप, उसको अगर किसी इशू को डिटेल में बताएंगे, उसको अच्छे से बताएंगे तो आपका जो रीडर होगा नेक्स्ट टाइम वो आपके आर्टिकल्स पे आएगा, दोबारा पढ़ेगा, आपकी आर्टिकल्स को लाइक करेगा। सो इसी तरह आपने हर चीज़ में डिटेल डालनी है, समझना है, ठीक है, अगले को मैसेज बिल्कुल क्लियरली वो रीड कर सके तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 ऑफ ऐसी ब्लॉग वेबसाइट हैं जहाँ से आप हेल्प भी ले सकते हैं, और नहीं भी हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। तो इसकी आपने जब ये आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करना स्टार्ट कर देना है, अगर आपकी अगर आज से शुरू करते हैं तो आपने सेम में रखना है कि अभी से अगर मैंने स्टार्ट किया तो मेरे 6 मंथ्स बाद मेरी वेबसाइट तैयार हो जाएगी एडसेंस पे अप्रूव होने के लिए। एडसेंस पे अप्रूव होने के लिए जो 6 मंथ हैं उसमें आपने ये जहन में रखना है, 6 मंथ ना फॉर एवर, आपने ये जहन में रखना है कि आपका कोई आर्टिकल कॉपी पेस्ट ना हो, ठीक है, मीन्स कि आपको आगे ऐसी ऑप्शनें मिलेंगी, ऐसी लालचें मिलेंगी, आपने अपना वे नहीं चेंज करना, जितने भी आर्टिकल्स हैं आपने खुद बनाने हैं, मेहनत करनी है, ठीक है, जो मेहनत और स्ट्रगल करेंगे ना फिर आप कमा के खाएंगे, आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है, तो ये कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, एक स्क्रीन पे बैठे और कंप्यूटर के आगे बैठ के सुकून से लिखें और बनाएं आर्टिकल्स। और जैसे कि मैं मुशाफ आईटी सर्विसेज में आर्टिकल्स पे भी काम करता हूँ और आईटी से रिलेटेड आर्टिकल्स बनाता हूँ, ठीक है, MQSHAAF.net वेबसाइट पे जाएंगे और ब्लॉग्स की वेबसाइट है उससे आईटी से रिलेटेड आपको इतने अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे, क्योंकि हमारी एक खूबसूरत टीम है और वो लोग बड़े अच्छे और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स बना के इस वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, और जिसकी माशाल्लाह से अच्छी इनकम जनरेट हो रही है और अच्छी ट्रैफिक है, और ये है कि उधर भी रेगुलरिटी पे मल्टीपल लोग आर्टिकल्स बनाते हैं। अगर आपके पास आगे फ्यूचर टीम होती है तो आप एक दिन में 5-5 आर्टिकल्स, जितनी आपकी स्पीड होगी, जितनी आपकी वर्किंग अच्छी होगी तो उतनी आपकी इनकम जनरेट होगी, ठीक है।
और अभी आपको क्लियर व्यू भी समझ आ गया होगा। आप Meshop.net पे जाएंगे, आपको आर्टिकल की भी समझ आ जाएगी। थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि अगर मैं IT से रिलेटेड आर्टिकल बनाता हूँ तो उस पर क्या पूछ सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वाईफाई का, तो आजकल सबको सबको पता है कि वाईफाई का पासवर्ड चेक करने में विंडोज 10 में क्या तरीका है। तो सबसे पहले मैंने इसकी खूबसूरत सी डिस्क्रिप्शन लिख दी कि हाउ टू चेक पासवर्ड इन विंडोज 10, ठीक है, हाउ टू चेक वाईफाई पासवर्ड इन विंडोज 10। अगर मैं ये लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन MS Word में सिंपली, ठीक है, हमने एंड में जाके जब हमारा आर्टिकल बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होगा, हम वर्डप्रेस पे जाएंगे और अपलोड करेंगे और लाइव आ जाएगा। तो हाउ टू चेक पासवर्ड इन विंडोज 10, ठीक है, वाईफाई पासवर्ड इन विंडोज 10 वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे जो स्टेप करूंगा मैं, ठीक है, सबसे पहले मैं जो जाता हूँ राइट क्लिक करता हूँ नीचे कॉर्नर पे और इंटरनेट की सेटिंग में जाके जो प्रॉपर्टी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेटिंग में जाता हूँ ना, तो जो मैंने एक स्टेप है उस स्टेप की एक इमेज क्रिएट कर दी। टाइटल टैग आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है स्क्रीनशॉट्स के लिए टाइटल टैग, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। उधर आप जो ही आप उसको स्क्रीनशॉट बनाते हैं और उसको आपको अपने पेस्ट कर लेना है वर्ड में, ठीक है, उसकी कटिंग वगैरह, और उसमें टाइनी टैग में आपको अब मिल जाएंगे एरोस वगैरह लगाने के तरीके। तो जो वो आप ये चीज़ें एक क्लियर इमेज बना के उसमें पेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लिखते हैं इंग्लिश में लिखेंगे और अच्छे तरीके से कि लोग उसको अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। आप स्टार्टिंग में लिखते हैं कि मैं विंडोज की सेटिंग में राइट क्लिक किया, राइट क्लिक ऑन नेटवर्क एंड आई गो टू द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जिस तरह जितनी अच्छी इंग्लिश बना के लिखेंगे, ठीक है, अभी तो मैं आपसे एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप जब देखेंगे आर्टिकल्स बने हुए तो आपको आइडिया मिल जाएगा। आप जो है उसमें जाते हैं उसकी एक हेडिंग देंगे, ठीक है, आपका स्टेप नंबर 1 ये था, उसके नीचे अदर डिस्क्रिप्शन दी, स्टेप नंबर 2 ये था, और स्टेप नंबर 3 उसके साथ इमेज अटैच कर दिया, स्टेप नंबर 4 उसके साथ इमेज अटैच कर दिया। इमेजेस क्या चीज़ें हैं, इमेजेस एक वे है, एक कन्वे कर रहे हैं एक मैसेज को कि इन इन स्टेप्स से गुजर के हम जाएंगे और हमें विंडो का वाईफाई पासवर्ड हमें मिल जाएगा। सो अगर ओवर द इंटरनेट कोई भी शख्स मेरी इस लिखता है हाउ टू चेक वाईफाई पासवर्ड इन विंडोज 10, तो ईजिली वहाँ से जाके वो ओपन करके देख सकता है, ठीक है। ये जो आपको मैं वे बता रहा हूँ आर्टिकल्स राइटिंग का, लिटिल इन्वेस्टमेंट है, और इंशाल्लाह आप इस लिटिल इन्वेस्टमेंट को ना लाखों में कमाएंगे और अच्छी अर्निंग करेंगे। आपको समझ लें कि इस लिटिल इन्वेस्टमेंट को करके कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर टेंशन लेनी है आपने आर्टिकल्स की लेनी है और आपने बनाने हैं, टेंशन को तो अपने सेहन से निकालते हैं, आर्टिकल्स बनाएं, मेहनत करें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इस काम में हिम्मत देगा और आपको कामयाब करेगा, मुझे यकीन है। लेकिन रेगुलरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, और रेगुलर बेसिस पे आर्टिकल बनाने हैं, ठीक है। अपने आर्टिकल्स में ऐसे मज़ेदार वर्डिंग डाल देना तो जो रीडर्स हो ना वो सिर्फ आपके आर्टिकल पर, ठीक है, और ऐसी ज़बरदस्त कीवर्ड्स यूज़ करें ना और उसकी हेडिंग्स लिखने में कि अगर जो लिख रहा हो ना, जो आप लिख रहे हो ना, वही अगले सर्च कर रहा हो, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशंस बनाएं जो आप लिख रहे हो वही अगला ढूंढ रहा हो, यार ये मुझे चाहिए, मैं अगर इसको फिक्स कर लूँ तो मेरा मसला हल हो जाएगा। मुझे इस चीज़ से रिलेटेड आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर ब्लॉग्स बनाना कैसे है या कुछ भी, ठीक है, मैं आपसे लिंक वगैरह भी वीडियोस में जो शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी। तो इतना लंबा टाइम नहीं है, टोटल 6 मंथ्स हैं, ठीक है, 6 मंथ्स में जो ही एडसेंस गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट को अप्रूव कर देगा, ठीक है, कॉपी राइट्स नहीं होने चाहिए, और अप्रूव करने के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और आपकी वेबसाइट अर्निंग अब किस चीज़ पर हो रही है, आपकी वेबसाइट पर एड्स पोस्ट होंगे, ठीक है, उन एड्स पे मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज आएंगी, उनको एड वगैरह पोस्ट कर दिए जाएंगे, ऑटोमेटिक एड्स पोस्टिंग होगी, और ऐसे होगा कि आप जितने भी आर्टिकल्स बनाएंगे डेली बेसिस पे उन पे भी एड्स आएंगे, ठीक है। आप जितने भी टाइम स्पेंड करेंगे और इंटरनेट जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी तो वो सारी इन अर्निंग में कन्वर्ट हो जाएंगी, और अगर आपकी वेबसाइट से कोई परचेजिंग भी करता है तो उसकी भी परसेंटेज आपको मिलेगी।
तो हिम्मत करें, स्टार्ट करें, और इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रीली, और कमेंट्स में भी कर सकते हैं, मेरे नंबर पे भी कर सकते हैं। तो कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें भी शेयर करूँगा, प्लेटफॉर्म्स शेयर करूँगा जहाँ से आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं, और ऐसे भी तरीके बताऊँगा यार जिसको कुछ भी नहीं आता ना तो उसकी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनी सॉल्यूशन।